पुलिस को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। ये बात का हमें बहुत दुख है मेरा बाबू कि हमें आपकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। सर जाने दो, मन का काय बदलता रहता है, अब हमारा मन बदल गया है। आप लोग यहाँ? अरे भैया पुलिस वाले यहाँ क्या कहीं भी जा सकते हैं? हम तो आपको ये बताने आए थे कि हमें ये बात का पता चल गया है कि बाबूलाल चौबे का खूनी कौन है। इसका मतलब आपको यकीन हो गया है कि सुधांशु बेगुनाह है? हाँ बिल्कुल, हमका पूरा पूरा विश्वास हो गया है कि बाबूलाल चौबे का खून सुधांशु महोदय ने नहीं किया। कातिल कोई और ही है। तो क्या आप मुझे अरेस्ट करने आए? लो कर लो बात, भला हम आपको क्यों अरेस्ट करें? तो फिर? फिर जाने दीजिए। आपने वो डेली सनसनी में तो न्यूज पढ़ी होगी ना, एक टीवी स्टार अपने सीए के प्रेम में गिरफ्तार। जानती है वो टीवी स्टार कौन है? कौन? सुहासिनी दवे। और उनके सीए को तो आप जानती हैं? योगेश। जी हाँ, आपके पतिदेव श्रीमान योगेश मेहरा। क्या बकवास है, मेरा सुहासिनी के साथ कोई रिश्ता नहीं है। लो कर लो बात, पर सुहासिनी देवी तो कुछ और ही कह रही थी कि चौबे का मुंह बंद करने के लिए 1 करोड़ रुपया लेकर ये गए होंगे। हाँ लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैंने। अरे 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 अरे, अरे। मतलब की चिंता आप क्या कर रहे हैं, मतलब हम निकालेंगे ना। मतलब ही कि चौबे के सेफ में ना 1 करोड़ था और ना ही आपकी और सुहासिनी की फोटो वाली सीडी। क्या मतलब? ही ले, फिर मतलब की बात आ गई। मतलब साफ है, उस असुरा चौबे आपके पतिदेव को ब्लैकमेल कर रहा था, और जब इन्हें ये मालूम पड़ा कि आप वहां जाने वाली हैं तो बस इन्होंने मौके पे चौका मार दिया, चौबे का खून किया, सेफ से रुपया और पैसा निकाला और खुद उड़नछू हो गया। और आप ये समझती रही कि ये आपके प्रेमी ने किया है, जबकि आपके प्रेमी महोदय ये समझ रहे थे कि आप दोनों मिलकर ये सब कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता है, चौबे का खून मैंने किया है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब मैंने सेफ से सीडी निकाली थी तो रुपए अंदर ही थे। लगता है अब ये सचमुच अपने पति देव को बचाने की कोशिश कर रही है। मैं सच कह रही हूँ, और ये तो उस रात चौबे के घर जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि इनकी कॉफी में तो नींद की गोलियां मैंने मिला दी थी। ये ससुरे बहुत बदमाश हैं, कॉफी पिए कहाँ सोने का नाटक कर रहे थे।